रामायण एक आदर्श ग्रंथ जिसका नाम शायद ही कोई ऐसा हो जिसने नहीं सुना होगा। शायद ही कोई ऐसा घर भारत में होगा जहां पर रामायण का पुस्तक ना मिले। मूल संस्कृत में रचा गया रामायण आज हमारे घरों में हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में कैसे उपलब्ध है? संस्कृत पढ़े लिखे विद्वानों तक ही जब रामायण जैसे ग्रंथ सीमित थे तब क्षेत्रीय भाषाओं में उनका भाषांतर कर जन जन तक वह ज्ञान उपलब्ध कराना क्या इतना सरल रहा होगा? क्यों शास्त्रों के प्रादेशिक भाषांतर की आवश्यकता हुई? उसके पीछे चुनौतियां क्या थी? सन 1532 में सावन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को माता हुलसी और पिता आत्माराम जो एक ज्योतिष थे उनके वहां पर एक बालक का जन्म हुआ। बालक जन्म के तुरंत बाद माता हुलसी की मृत्यु हुई। पिता आत्माराम ने पुत्र को अपशगन मानकर उसका त्याग किया और जीवन गुजारा करने के लिए बहुत ही छोटी सी उम्र में भिक्षा मांगने वह घर घर भटकने लगे। गांव के कई लोग उसको अपशगुन बोलकर घर से निकाल भी देते। थक हार कर एक दिन वह बालक चित्रकूट तरफ चलने लगा और रास्ते में जो भी भिक्षा मिले उससे जीवन गुजारने लगा। चित्रकूट में संत नरहरिदास उनको गुरु के रूप में प्राप्त हुए और उनसे बालक ने मौलिक शिक्षण प्राप्त किया और वहां बालक को राम बोला नाम दिया गया। संत नरहरिदास राम बोला को काशी में ले गए और वहां पर उसने सनातन स्वामी के पास से वेदों और ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त की। गुरु सनातन ने राम बोला से गुरु दक्षिणा में राम के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया। राम बोला राम कथा के द्वारा लोगों तक राम नाम पहुंचाने लगे और लोगों से उनको नाम मिला तुलसीदास। इस दौरान तुलसीदास का विवाह रत्नावली से हुआ। दोनों में बहुत ही प्रेम था। जीवन में प्रथम बार कोई संबंध तुलसीदास से हमेशा के लिए बंध गया था और इसीलिए मोह के कारण हमेशा वह रत्नावली के पास ही रहने का प्रयत्न करते। एक बार वह राम कथा करके घर वापस लौटे तब उन्होंने रत्नावली को घर में नहीं पाया। पड़ोसियों से पता चला कि रत्नावली अपनी माँ स्वस्थ न होने के कारण अपने माता पिता के घर गई है और यह जानकर तुलसीदास भी दुखी होकर रत्नावली से मिलने भरपूर बारिश में रात को खुद ही नदी पार करके उनके घर पहुंचे। बचपन से ही बुद्धिमान और जीवन के संघर्षों के कारण परिपक्व और मजबूत हुए तुलसीदास की उनके प्रति आसक्ति की अतिशयोक्ति को जानकर रत्नावली ने तुलसीदास से बौद्धिक संवाद किया और उस बीच रत्नावली ने एक सचोट प्रश्न किया और उस प्रश्न ने तुलसीदास की जीवन दिशा बदल दी। रत्नावली बोली, आप मेरे हाड़ मास के इस पुतले को जितना प्रेम करते हो उतना प्रेम आपने राम को किया होता तो? तुलसीदास ने उस पर चिंतन किया। मनुष्य मात्र हमेशा से किसी ना किसी पर आश्रित तो है ही, तो भोग पर आश्रित क्यों? ईश्वर पर आश्रित होना और ईश्वर पराधीन होना ही जीवन विकास नहीं? यह जानकर उन्होंने गृह त्याग किया। जंगल में जाकर वर्षों तक तपस्या करने के बाद राम नाम और दृढ़ संकल्प को लेकर जीवन उद्देश्य पूर्ति की दिशा में प्रयत्नशील हुए। काशी में जाकर टोडरमल नाम के एक व्यापारी के आश्रय में वह रहे और राम कथा के साथ साथ रामायण को भी संस्कृत से अवधी जैसी क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करना शुरू किया। पता चलने पर वहां के पंडितों ने उनका घोर विरोध किया और उनको जिंदा जला देने की धमकियां भी दी, परंतु मजबूत संकल्प के स्रोत को कोई न रोक सका और टोडरमल जैसे धर्म प्रेमी लोगों ने उनका साथ भी दिया। एक बार संवाद में टोडरमल ने तुलसीदास जी को पूछा, आप इतने विरोध और त्रासदी के बाद भी अपनी जान को जोखिम में डालकर रामचरितमानस क्यों लिख रहे हो? आपका उद्देश्य क्या है? तुलसीदास जी बोले, मैं आज के विदेशी आक्रांताओं से घिरे हुए भय और निराशा के वातावरण में राम नाम के विचारों को याद दिलाकर अपनी संस्कृति के मूल्यों को घर घर पहुंचाकर समाज में प्राण फूंकना चाहता हूँ। सीता, मंदोदरी, तारा जैसे महान पात्रों के द्वारा स्त्री का समाज और परिवार में महत्व जानकर उनके सम्मान के लिए लड़ने की भावना जगाना चाहता हूँ। आज के युवाओं को मूलभूत भारतीय सांस्कृतिक मूल्य से अवगत कराकर उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक
और आध्यात्मिक विकास करके उनको भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए तैयार करना चाहता हूँ। शबरी के प्रसंग द्वारा जन्म आधारित जातिवाद को दूर करना चाहता हूँ। वैष्णव, राम भक्त, शिवालिक, देवी भक्तों सब एक ही संस्कृति के मूल है, वह समझाकर समाज को संस्कृति रक्षण के लिए एकजुट करना चाहता हूँ। और यह सब सुनकर टोडरमल अश्रु के साथ निशब्द हो गए। और तुलसीदास ने यह सब किया भी, नारी सम्मान के लिए आक्रांताओं का सामना करने के लिए लोगों को प्रेरणा दी। भील आदिवासी श्रमजीवी प्रजा को गले लगाकर हिंदू समाज को एक किया। युवाओं के लिए शारीरिक और बौद्धिक शिक्षा के लिए आश्रम अखाड़े खोले। मुगल आक्रांताओं के द्वारा मंदिरों को ध्वस्त करने के कारण लोगों में निराशा थी, तब उन्होंने मंदिरों की स्थापना और जीर्णोद्धार करके लोगों में नई ऊर्जा का संचार किया। मुगलों से भारतीय संस्कृति बचाने के लिए राजाओं का मार्गदर्शन भी किया। राजा मानसिंह को अपने ही भाई महाराणा प्रताप के सामने और अकबर के पक्ष में ना लड़ने की सलाह दी। और जब अकबर को मानसिंह का साथ ना मिला और उसकी वजह तुलसीदास ही थे वह जाना, तब अकबर ने तुलसीदास को उच्च पदवी की लालच देकर दरबार में बुलाया ताकि वह मुगलों को समर्पित हो जाए। परंतु तुलसीदास ने वह पदवी को ठुकरा कर अकबर से बोला, मैं सिर्फ राम को ही समर्पित हूँ और रहूंगा, आपका यह पद मेरे लिए उससे बढ़कर नहीं। मैं तो यह सृष्टि के राजा को समर्पित हूँ, ना कि एक भूमि के टुकड़े के राजा को। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, वैराग्य, संदीपनी, विनय पत्रिका, रामचरितमानस जैसी कई कृतियां लिखी। और 1623 में गंगा नदी के किनारे उन्होंने जीवन कार्य पूर्ण होने पर जल समाधि ली। तुलसीदास जी को श्री राम ने साक्षात दर्शन दिए थे। ऐसा मानना या ना मानना श्रद्धा का विषय है। हमें भी कभी ना कभी तो जीवन में भले ही क्षण भर के लिए ईश कृपा का एहसास तो हुआ ही होगा, नहीं तो फिर ईश्वर को मिलने का निरंतर प्रयास करने वाले को ईश्वर ने दर्शन कैसे नहीं दिए होंगे। यह तो भूमि ही है, पवित्र ईश भूमि, जहाँ ऐसे महान लोगों का जन्म हुआ। और ईश कृपा यही कि हमें भी यही भारत भूमि पे जन्म लेने का मौका मिला।